छोड़कर सामने आके सभी बैठ जाए। मुख्यमंत्री साहब के साथ में श्री भजरंग लाल जी गए, श्री फूलचंद जी मौलाना, श्री बीबी भद्रा जी, श्री अशोक भाई जीरावाला और श्री धनपत भाई जैन मंच पर स्थान ग्रहण करें। तालियों से सभी तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्री अडवाणी जी, जो श्री अडवाणी जो इस कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंट है, उनसे अनुरोध है कि माल्यार्पण द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री जी अशोक जी कानून को, जो अग्रवाल समाज के सचिव भी हैं, ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट और सूरत कैंसर में जो प्रेसिडेंट है, उनसे अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी से अनुरोध है कि जब स्वागत होता है तालियों की वो चार बनाए रखें। श्री सुरेंद्र जी, श्री अशोक जी कानून को मंत्री जी का स्वागत करते हो मुख्यमंत्री। श्री सुरेंद्र जी डालमिया से अनुरोध है कि वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री फूलचंद जी मौलाना का स्वागत करें। श्री सुरेंद्र जी डालमिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री फूलचंद जी। श्री संदीप जी सिंगल, श्री संदीप जी सिंगल सचिव से अनुरोध है कि वो श्री बत्रा जी का स्वागत करें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री फूलचंद मौलाना जी, विधायक भारत भूषण बत्रा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी और भाई यहाँ से जिला अपने कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक भाई और यहाँ से हमारे उम्मीदवार जैन साहब कांग्रेस पार्टी के, अपने गर्ग साहब पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, जैसा आपने हमारे से पहले बताया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी, वहाँ से जल्दी जल्दी कहने की बात आ रही है तो समय थोड़ा ही लूँगा मैं। एक तो मेरी हाजिरी लगा लो और मेरे दिल की भावना सुन लो कि यहाँ आप, मैं सुबह से घूम रहा हूँ कि चौथी जगह शायद आया हूँ, जहाँ जा रहा हूँ उसके बाद दूसरी जगह, उसके बाद तीसरी जगह, मेरे को लगता है कि सूरत में आके मैं अपने घर में आया हुआ हूँ। इतना प्यार और वो मेरे को मिल रहा है और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे को नहीं पूरे हरियाणा और राजस्थान को गर्व है कि आप लोग वहाँ से आकर जो आपने यहाँ स्थान बनाया है, जिस प्रकार से तरक्की की है, जिस प्रकार से अपना नाम कमाया है और ईमानदारी से जो काम किया है, एक जो छाप बनाई है पूरे देश में, इस बात की मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और हमारे को इस बात का बहुत गर्व है। जहां तक सवाल विकास का है और व्यापारी है, किसान है, विकास तो सब चीज नाम है कि उसमें किसान का भी विकास हो, व्यापारी का भी हो, कर्मचारी का भी हो, शहरी का भी हो, गांव वाले का भी हो, माफ करो तो हम अखबारों में तो पढ़ते रहे और एडवर्टीजमेंट पढ़ते रहे कि गुजरात में बहुत विकास हो रहा है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, आप भी बहुत मेहनती हैं, मैं सोचता था वाकई बहुत विकास हुआ होगा, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने देखा और मुकाबला किया अपने प्रदेश से, हमारा प्रदेश तो 66 में बना था, 2005 में हमारी कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार बनी दिल्ली में, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यूपीए बनी और नई नीतियां लेके आए वो, चाहे वो भारत निर्माण की नीतियां हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो अर्बन मिशन लेके आए हों, शहर का विकास, गांव का विकास,
किसान का विकास, मजदूर का विकास की बड़े अलग अलग नीतियाँ बनाई। तो 2005 से मैं देखता हूँ जो नीतियाँ लागू की, हम तो हरियाणा तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और गुजरात जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से है, कहाँ से कहाँ, जहाँ था वहीं है। मैं तो अखबारों में पढ़ के बहुत खुश होता था कि गुजरात से मेरा संबंध है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ लोगों से मेरा बहुत संपर्क है। लेकिन जब यहाँ धरातल पे देखा तो बड़ा मेरा अफसोस हुआ, वो सारे दावे खोखले निकले। अभी यहाँ कह रहे हैं भाई इसी इलाके में मैं घूम रहा हूँ, तो वह कह रहे हैं पीने का पानी नहीं है, बड़े बड़े फ्लैट तो बन गए लेकिन पानी के लिए टैंकरों की इंतजार करनी पड़ती है। मेरी बहन बेटी है वो सुबह से इस इंतजार में बैठ जाते कब टंकी का पानी भरा जाएगा, कब टंकी भरेगी, कब नहाने का पानी आएगा, पीने के पानी के जहाँ किल्लत हो। अरे यार छोटा सा प्रदेश है, गाँव में, शहर की तो बात छोड़ो, गाँव में दलित के घर, जो गरीब से गरीब आदमी है, सबके घर हमने मुफ्त पानी का कनेक्शन, और 200-200 लीटर की टंकी, 9,70,000 कनेक्शन दिए हमने अपने कंपनी में। बिजली का मैंने पूछा यहाँ बिजली क्या भाव मिलती है इंडस्ट्री को, तो कहने लगे 6 रुपए से भी ज़्यादा है शायद, हैं 6.5 और हरियाणा में क्या भाव मिलती है 4.53 रुपए या 4.5। मैंने पूछा भाई यहाँ जो ट्यूबवेल है, कृषि किसान है, उसको बिजली का क्या भाव मिलता है, तो कह लगे कि 5.5 रुपए यूनिट, और हरियाणा में किसान को कितना पैसा कितना देता है, हम 25 पैसे यूनिट बिजली देते हैं, तो कैसे मुकाबला होगा। हर पैरामीटर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ सारे पैरामीटर्स पर चर्चा करूँगा। आमदनी, निवेश, 2005 में जब हरियाणा 14वें नंबर पे था प्रति व्यक्ति निवेश में, आज 2012 में हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 13वें नंबर पे था, लेकिन यूपीए की सरकार बनने के बाद और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में आज हरियाणा पूरे देश में बड़ी प्रदेशों में नंबर 1 पर है, सिर्फ गोवा हमारे से आगे है जो छोटा सा प्रदेश है। और गुजरात प्रति व्यक्ति आय में कहाँ है, 6 नंबर पर, जबकि यहाँ समुद्र का तट है, कोयला, बिजली का भाव यहाँ ज़्यादा है। अरे हम तो यहाँ से कोयला लेके जाते हैं, बाहर से कोयला आता है, यहाँ तट से कोयला लेके जाते हैं, कितना महंगा पड़ता है, और यहाँ पे कोयला आकर भी कितनी महंगी बिजली देते हैं। देने का समय आता है, आप जाओ आज हरियाणा में जाओ, पेट्रोल लो, यहाँ से 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता होना तो चाहिए था, यहाँ सस्ता, पर यहाँ महंगा। डीजल लेने जाओ आप हरियाणा में और यहाँ गुजरात में, डीजल के भाव का 7 रुपये प्रति लीटर अंतर है। अरे हो क्यों, क्योंकि वेट जो है वहाँ 45 रुपये है, यहाँ 52 रुपये कुछ पैसे है, 7 रुपये प्रति लीटर, क्योंकि वेट जो है हमारा तो दिसंबर जो उसमें वेट डीजल पर 9.24% वेट लगता है, और यहाँ पर 26% वेट लगा रहे हैं। अरे लेने का समय आता है तो तिगना टैक्स, देने का समय आता है तो कुछ नहीं, ना यहाँ व्यापारियों को सम्मान है, ना इंडस्ट्रीज का सम्मान है। सुबह से मैं बात सुन रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं, एक ही बात आज सभी देख रहे हैं भाई, एक कांग्रेस पार्टी ने ही एक व्यापारी भाई को टिकट दिए, यहाँ तो टिकट भी नहीं देते भारतीय जनता पार्टी को, किस किस्म की वो है। 12 साल से सरकार चल रही है, लेकिन जहाँ विकास का सवाल आता है, सिर्फ अखबार पढ़ने में विकास होता है। आप प्रति व्यक्ति आए, मैंने बताया, निवेश लगाया, बच्चों की पढ़ाई लगा लो, बुजुर्गों की पेंशन लगा लो। यहाँ मैंने पूछा भाई बुजुर्गों को पेंशन मिलती है क्या, कह रहे जी यहाँ तो मिलती नहीं, कागजों में तो दे रही है, कागजों में तो जो मैंने रिपोर्ट मंगाई 400 रुपया महीना देते हैं। यहाँ गुजरात में जो है 35 लाख बुजुर्ग हैं,
जब पेंशन का देने का सवाल आता है तो 35 लाख में से कुल 7 लाख को देते हैं, कागजों में ये असलियत देखा तो मिलती नहीं है। तो और कितना देते हैं? 400 रुपये देते हैं। हरियाणा में कितने बुजुर्ग हैं? 15 लाख बुजुर्ग हैं, लेकिन पेंशन कितने को देते हैं हम? 15 लाख में से 13,000 को, तो कितनी 13 लाख को, माफ करना, और कितना देते हैं? 500 और 700। इसी प्रकार से विधवाओं का, गरीब आदमी का समझ में नहीं आता किसके लिए क्या गुजरात करें। मेरे को लगता है पूरे गुजरात में ये सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केवल 5-7 आदमियों का विकास हुआ है। 5-7 आदमी एक तरफ, बाकी गुजरात एक तरफ, ये लगता है। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, देश को एक रखना है। भाई कोई भी पार्टी हो उसकी 3 बात देखनी चाहिए आपको, और आप समझ लो दिल पे हाथ रख के ये देखना कि जो इन 3 बातों में खरा उतरे उस पार्टी को वोट दो। अगर देश को मजबूत रखना है, गुजरात का विकास करना है, आपका स्वयं का विकास होना है, सम्मान बनाना है, आपने बहुत मेहनत की है यहाँ आकर। क्या है वो 3 पैरामीटर? पार्टी की नीति देखो, पार्टी की नीयत देखो, नेता देखो, कोई पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की आप नीति देख सकते हैं, पूरे देश में सभी के लिए आगे बढ़ाने की नीयत का तो कोई मामला ही नहीं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो हैं पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने की, और नेता आज नेता सोनिया गांधी हैं पार्टी की, उनका कोई है? आज ईमानदारी से देखो आप, कोई गांव का सरपंच बन जाए, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर बन जाए,